ज्योतिषी जो दावा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान का कोई भी समस्या, जो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, घरेलू हो, दाम्पत्य समस्या हो, मतलब आपके जीवन में जो भी समस्या है, हर एक समस्या का ये ज्योतिषीय तांत्रिक गारंटी के साथ समाधान करने का आश्वासन देते हैं। इसके बदले में मोटी रकम वसूलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी सतर्क होंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। जब आप किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसके बदले में उस दुकान से आपको एक रसीद मिलती है। यह रसीद इसलिए दी जाती है कि आप उस दुकान पे गए थे और फलाना चीज आपने खरीदी। अब यदि वह सामान, वो सर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में कोई खराबी हो या बेकार हो, तो आप उस दुकान में जाके फिर सामान को बदल सकते हैं। अगर वह दुकानदार या जो वह कंपनी यदि आपको रसीद देने के बाद भी, आपको कोई माल बेचने के बाद भी यदि बेकार निकलता है वह सामान, और लेने से इनकार करता, वापस करने से, रिटर्न करने से यदि इनकार करता है, तो आप सीधे तौर पे कंज्यूमर फोरम या क्रेता सुरक्षा अदालत में मामला कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उस कंपनी के खिलाफ, उस दुकान के खिलाफ मामला कर सकते हैं कि मैंने अमुक कंपनी या दुकान से यह मोबाइल लिया था, लेकिन मोबाइल बेकार है, और जब मैंने यह माल रिटर्न करने गया तो कंपनी रिटर्न लेने से मना कर रही है, तो ऐसे में मामला बनता है। तो ये उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाएं या तांत्रिक के पास जाएं या किसी को बुलाएं गलती से अपने घर में, तो सबसे पहले उससे लिखवा लीजिए कि मैं अमुक समस्या में हूँ, मेरी उम्र यही है, और मेरे समस्या का समाधान के लिए आपने क्या क्या उपाय बताए। तो सभी बातें आप विस्तारित रूप से ज्योतिषी से लिखवा लीजिए या तांत्रिक से लिखवा लीजिए। अगर सही में वह ज्योतिषी लिख कर देता है या तांत्रिक अपने कागज में लिख कर देता है कि मैं अमुक तांत्रिक, मैं अमुक ज्योतिषी आपको समस्या के लिए ताबीज देता हूँ, कवच देता हूँ या ग्रह रत्न देता हूँ, और यह 3 महीने के तक आपको समस्या का समाधान कर देगा, तो मामला जम गया। क्योंकि ज्योतिष या तांत्रिक जो भी ताबीज, कवच या ग्रह रत्न जो कुछ दे, उससे किसी भी इंसान का भला नहीं हो सकता है, उससे आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सिर्फ ठगने के लिए ज्योतिषी या तांत्रिक ताबीज, कवच आदि उठपटांग चीज दिया करते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी ज्योतिष से मिलें तो उसे लिखवा लीजिए कि मेरे जीवन में जो समस्या है वो समस्या कब तक हल हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए ज्योतिषी आपको लिख कर देता है या नहीं। अगर लिख कर दिया तो आगे चलकर आप उस ज्योतिष के खिलाफ मामला भी कर सकते हैं, उस ज्योतिष द्वारा लिखित दस्तावेज या कागज के आधार पर। अगर आप किसी ज्योतिष पास गए और उसने ताबीज दी, कहा यह ताबीज पहनिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आपने लाखों रुपए खर्च कर ताबीज ली, लेकिन 3 या 4 महीने बीत जाने के बावजूद आपकी समस्या नहीं सुलझी, तो आप क्या करेंगे? एकदम आसान सा उपाय है, कंज्यूमर फोरम में मामला कर सकते हैं ज्योतिष व तांत्रिक के खिलाफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस ज्योतिष तांत्रिक के खिलाफ मामला कर सकते हैं कि जिस ज्योतिषी ने आपको यह ताबीज कवच दिया था। तो आपको शायद बात समझ में आ गई कि अब से यदि आप गलती से भी किसी ज्योतिष पास जाते हैं तो लिखवा लीजिए उससे। लेकिन मैं एक गारंटी देना चाहूंगा। गारंटी ये है कि जब भी आप ज्योतिष को कहेंगे कि
लिख कर दो तो कोई भी ज्योतिषी लिख कर नहीं देगा, ये गारंटी है। क्योंकि ज्योतिष पता है अगर लिख कर दिए तो भविष्य में फंसेंगे, ठगी के आरोप में हो सके जेल भी जाएंगे। तो ज्योतिष या तांत्रिक का एकमात्र लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य एक यही है कि वह लोगों को ठगेगा। इसके लिए विज्ञापन दिया करता है, अपने दलालों के द्वारा लोगों को बुलाता है और मौका देखते ही ठगता है। इसलिए ऐसे चिटिंगबाज पाखंडी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। तो सावधानी के लिए खबर पर नजर रखना अत्यंत जरूरी है। चलिए हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर पर ले चलते हैं, जो खबर आपको जरूर नया ज्ञान प्रदान करेगा, जो खबर आपकी आंखें खोल देगी। करेंगे आप भी खबर देखिए, पढ़िए, और अगर आपके मन में कहीं भी कोई कोना में भी ज्योतिष तांत्रिक पति कोई विश्वास बना हुआ है, तो एक खबर आपके विश्वास को तोड़ने के लिए एक हथियार का जैसा काम करेगी। तो खबर चलिए पढ़ा जाए। खबर है ठगी करने वाला ज्योतिषी गिरफ्तार। मैं और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं लोकाचार्यवर जी, दोनों का ही एक ही कहना है कि ज्योतिष और तांत्रिक का एकमात्र लक्ष्य होता है ठगी करना, और ठगी करते करते ये ज्योतिषी तांत्रिक कभी कभार गिरफ्तार भी हो जाता है। तो ऐसा ही एक खबर है, ठगी करने वाला ज्योतिष गिरफ्तार। खबर पे थोड़ा सा विस्तारित रूप से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप खबर के अंदर जा सकें। जिले में पूजा पाठ के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले राजस्थान निवासी एक कथित ज्योतिषी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित आवास निवास कॉलोनी निवासी पूजा दुबे से महावीर शर्मा नामक ज्योतिषी ने पूजा पाठ करने के नाम पर 11 अप्रैल को 53,000 रुपये नकद एवं 3.5 लाख रुपये मूल्य के गहने लिए और उन्हें लेकर लापता हो गया। उन्होंने बताया कि महावीर शर्मा को बुधवार को नई दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। कथित ज्योतिषी मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि बलिया में पूजा पाठ के नाम पर झांसा देकर ठगी करने के लिए उसने किराए का मकान लिया था। तो एक खबर है ठगी करने वाले बाला ज्योतिषी गिरफ्तार। तो ठगी, ज्योतिष तंत्र के काम ही ठगी करना, ये विज्ञापन देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, टीवी पर आके जो बयानबाजी करते हैं, उनके पीछे इन ज्योतिषियों तांत्रिकों का एकमात्र लक्ष्य है ठगी, ठगी और ठगी। सिर्फ ठगने के लिए है, सुबह से रात भर ज्योतिष शास्त्र के नाम पे गोल गप्पे, सुबह से रात भर ज्योतिष शास्त्र के गुणगान आदि यह पाखंडी ज्योतिषी तांत्रिक किया करते हैं और लोगों को ठग ठग कर मालामाल हुआ करते हैं। तो इसलिए मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहूंगा कि इन पाखंडी ठगबाज चिटिंगबाज ज्योतिषियों के चंगुल में गलती से भी ना पड़े। अगर गलती से भी किसी ज्योतिष के चंगुल में, तांत्रिक के चंगुल में फंस गए तो आप जरूर ठगी का शिकार बनेंगे ही बनेंगे, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब जब आप ठगी का शिकार बनेंगे, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी आंखें खुलेगी, तो आप कानून का सहारा लेकर उस पाखंडी चिटिंगबाज ज्योतिष को जेल में डाल सकते हैं।